Good evening, dear students. Myself Kunjis, assistant professor of pharmacology. Welcome back to our channel Pharma Dodge. Hope so you are very well and fine. Now we will start our lecture video, which is part 3 of the Pharmacy Act 1948. We have already discussed in before two videos Pharmacy Act, PCI and State Pharmacy Council, Joint State Pharmacy Council, difference between State Pharmacy Council and Joint State Pharmacy Council. So today's topic is about registration of pharmacist and pharmacist register center. We have discussed about the center register in the previous video. So in this video we have discussed about first register and subsequent register and qualification needs for the entry into the first register and subsequent register, and how a person can enter into the subsequent register and first register, and qualification that needs for the registration of pharmacist in state register, okay, State Pharmacy Council. How can he and she receive license after completing their degree and diploma? So we have going to discuss about it. So let us start. So firstly, registration of pharmacist. What is mean registration of pharmacist? Means pharmacist ka registration into the register that have made by the State Pharmacy Council or state government. Okay? क्या है कि फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस इश्यू करवाने के लिए अपना क्या करता है, नाम को किसमें एंटर करवाता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल या स्टेट गवर्नमेंट जो रजिस्टर बना रही है उस रजिस्टर के अंदर जो कोई भी पर्सन है अपना क्या है, प्रूफ दे रहा है कि वो फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. हम बोलते हैं ना किसी भी पर्सन को, जैसे आपने पीसीआई में पढ़ा था कि कुछ मेंबर्स थे जो कि कहाँ से होने चाहिए थे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए थे, कोई स्टेट का, कोई टेरिटरी का था, कोई डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट के अंदर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मेंबर था. तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर क्या है, एक स्टेट. मान लो अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर, स्टेट हरियाणा है, उसके अंदर जितने भी फार्मासिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया है रजिस्टर के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के लिए, तो उनका नेम क्या होगा, फर्स्ट रजिस्टर के अंदर एंट्री होगा. मीन्स वो कैसे एप्लीकेशन कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए. ठीक है, तो हर स्टेट का इंडिया के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इंडिया के अंदर स्टेट है उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या है, रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर है, जो कि रजिस्टर फार्मासिस्ट की एंट्री के लिए बनाया गया. ठीक है, मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है, ये चीज देखना कि कैसे उसको एंट्री करें. देखो, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट ऑन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया. ये बोलता है कि जो फार्मेसी एक्ट है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर. ठीक है, कहाँ पे, रजिस्टर के अंदर, द फर्स्ट रजिस्टर. इसके अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे, फर्स्ट रजिस्टर एंड द सबसिक्वेंट रजिस्टर. फर्स्ट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इन ए स्टेट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो किसी भी फार्मासिस्ट का जो फर्स्ट रजिस्टर बन रहा है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो कौन बनाएगा पहले, स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट. अगर हरियाणा की है तो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट, अगर यूपी की है यूपी की स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसे ही पंजाब की है पंजाब की. तो मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फर्स्ट रजिस्टर बनेंगे ऑल स्टेट्स के अंदर. After the constitution of State Pharmacy Council, State Pharmacy Council means SPC, जो State Pharmacy Council है उसकी constitution के बाद जो maintenance है first register का and subsequent register का becomes the responsibility of State Pharmacy Council. ये बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो first register है वो बनाया तो किसने है, state government ने. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट रजिस्टर प्रिपेयर किया. उसके बाद जैसे ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होगी है हमारे पास, वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना जो रजिस्टर था उसका फर्स्ट रजिस्टर, वो किसको देगी, अगर उसके पास फर्स्ट रजिस्टर है सबसिक्वेंट रजिस्टर है तो वो किसको दे देगी, हैंड ओवर करेगी
स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, और उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रजिस्टर को मेंटेन करना, उसके अंदर एंट्री देखना कि क्या क्या उसके अंदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो रजिस्टर है से फर्स्ट रजिस्टर में किसके नेम एंटर करने हैं, किसके नेम को रिमूवल करने हैं, ठीक है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी आ जाती है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जो फार्मासिस्ट का रजिस्टर होगा उसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है, हम ये चीज नोटिस करते हैं कि जो फार्मासिस्ट है उसका रजिस्टर के अंदर क्या क्या होगा। लोग देखे ऑफ फार्मासिस्ट, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट रजिस्टर जो कि हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, उसके अंदर क्या क्या होगा। देखो क्या होगा हमारे जो उसके अंदर, एक तो फुल नेम होगा किसका, फुल नेम एंड रेसिडेंटल एड्रेस ऑफ, ठीक है, किसका एड्रेस होगा, रजिस्टर पर्सन का, जिसके लिए वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर पर्सन, आरपी बोल सकते हैं। क्या होगा कि जो फर्स्ट रजिस्टर है हमारा जो फार्मासिस्ट बना रहा है उसके अंदर क्या होगा, एक तो वो पर्सन का जो भी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका पूरा नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे रहता है, कौन से टाउन से, कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहा है, किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है, उसका पूरा नाम और एड्रेस वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा उसकी क्वालिफिकेशन, कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें उस रजिस्टर के अंदर उसकी क्वालिफिकेशन भी एंटर करनी है। उसके बाद उसकी एंट्री की फर्स्ट डेट भी देखनी है, डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री इनटू रजिस्टर, कि जो फर्स्ट रजिस्टर बना है रजिस्ट्रेशन के लिए, एक तो उसका नाम, उसका एड्रेस, फर्स्ट एंट्री, जिस दिन उस रजिस्टर के अंदर उसका नाम एंटर हुआ वो डेट क्या है, वो डेट की एंट्री होगी, सॉरी क्वालिफिकेशन, उस पर्सन की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होगी। अगर वो कहीं पे वर्किंग है प्रोफेशनली तो उसका प्रोफेशनल एड्रेस होगा, प्रोफेशनल एड्रेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक फार्मासिस्ट की रजिस्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसका नाम, उसका रेसिडेंटल एड्रेस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका डेट फर्स्ट एंट्री का रजिस्टर के अंदर, दूसरा उसका प्रोफेशनल एड्रेस अगर वो कहीं समवेयर वर्किंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट रजिस्टर के बारे में, कि जो फर्स्ट रजिस्टर है स्टेट गवर्नमेंट जो बना रही है वो बनता कैसे है फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है, कौन पर्सन है जो कि फर्स्ट रजिस्टर को बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है एक रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल को, क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, एक रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करती है। जो रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल है ये एक टाइप की मीटिंग है, मतलब क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पर्सन को बुलाती है मीटिंग के लिए जिसके अंदर तीन पर्सन होंगे, ठीक है, मतलब तीन टाइप के, और एक रजिस्ट्रार होगा, क्या तीन तो पर्सन होंगे उसके अंदर, एक रजिस्ट्रार होगा जो सेक्रेटरी की तरह काम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रजिस्ट्रेशनल ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, मतलब एक तरह की मीटिंग बुलाएगी जिसमें तीन लोग होंगे, एक क्या होगा आपका रजिस्ट्रार जिसको सेक्रेटरी भी बोलते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी एप्लीकेंट होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मासिस्ट के लिए, उनको क्या करेगी, एक डेट अपॉइंट करेगी कि इस डेट तक आप प्रिस्क्राइब फीस के साथ जितनी भी फीस है रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मासिस्ट के लिए आप क्या करो, पे करो और आपका फॉर्म सबमिट करो। उसके बाद वो क्या करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, ठीक है, उनको एग्जामिन करेगी, उनको एनालाइज करेगी, फिर उसके अंदर देखेगी कि क्या क्वालिफिकेशन ठीक है, उनको एनालिसिस करेगी क्या किसी ने पे किया है, फीस सबने पे की है, किस एप्लीकेशन में मतलब फीस पे नहीं हुई है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट फेक ना हो तो वो क्या करेगी, उसको रिजेक्ट कर सकती है और फाइनल इसका डिसीजन रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट रजिस्टर के अंदर क्या क्या कौन कौन पर्सन एंट्री कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इनटू
फर्स्ट रजिस्टर, जो फर्स्ट रजिस्टर बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए फर्स्ट रजिस्टर के एंट्री के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए पर्सन के पास? शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स, कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी कितनी एज होनी चाहिए? 18 इयर्स, कि 18 इयर्स तक की एज उसकी अटेंड होनी चाहिए। शुड पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस, कि वो प्रिस्क्राइब्ड फीस को पे करे। नेक्स्ट, शुड बी रेसिडेंट ऑफ स्टेट और शुड कैरी आउट हिज बिजनेस और फार्मेसी इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं हरियाणा के अंदर अप्लाई कर रही हूँ अपना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं हरियाणा की क्या होनी चाहिए? रेसिडेंट होनी चाहिए दूसरा, या फिर मैं हरियाणा के अंदर अपना फार्मेसी का बिजनेस या प्रोफेशन करती हूँ। दूसरा, शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फील्ड सच एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी। एंड शुड नॉट हैव लेस देन ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। एंड शुड हैव पास एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई एग्जाम है वो रखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो मेरा पास होना चाहिए। तो ये क्या है? क्वालिफिकेशन है, क्या फर्स्ट रजिस्टर के अंदर एंट्री के लिए क्या क्या उस पर्सन की क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं सब्सिक्वेंट रजिस्टर के बारे में। अगर कोई पर्सन है फर्स्ट रजिस्टर की पब्लिकेशन के बाद, जो कोई पर्सन है अगर वो डिससेटिस्फाइड है विद द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, विद इन 60 डेज, ठीक है, ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है। और फाइनल डिसीजन जो किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सब्सिक्वेंट रजिस्टर, कि फर्स्ट रजिस्टर बनने के बाद क्या है उसका सब्सिक्वेंट रजिस्टर भी बनते हैं, मतलब अप्रूवल के लिए। एक बार रजिस्टर में एंट्री होगी फर्स्ट रजिस्टर, उसके बाद सेम पर्सन का सब्सिक्वेंट रजिस्टर, मतलब वो दोबारा से रिन्यूअल करते रहेंगे अपने आप लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो उनका टाइम पीरियड होता है रिन्यूअल का, तो वो होता है हमारा सब्सिक्वेंट रजिस्टर। सब्सिक्वेंट रजिस्टर में किसी पर्सन को एंट्री करने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो अप्रूव्ड एग्जामिनेशन उसका पास होना चाहिए कोई, या वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो किसी अनदर स्टेट के अंदर, या फिर उसके पास क्या है जो फर्स्ट रजिस्टर के अंदर उसका नेम होना चाहिए। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है फर्स्ट रजिस्टर में उसका नेम है, तो वो पर्सन सब्सिक्वेंट रजिस्टर में अप्लाई कर सकता है। दूसरा, प्रोसेस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि आउटसाइड टेरिटरी मिली हुई है, ठीक है, इंडिया के आउटसाइड में जो भी टेरिटरी के आउटसाइड जो मिली हुई है क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए? वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए किसी अनदर स्टेट के अंदर, जब वो किसी और स्टेट के अंदर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो है सब्सिक्वेंट रजिस्टर। अच्छा, इसके अंदर वैसे ऑफेंसेज और पेनल्टीज भी है, जो वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। उसमें क्या है कि किसी पर्सन है कोई, मतलब जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो डिस्पेंसिंग कर रहा है, या फिर वो क्लेम कर रहा है कि वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है बट उसका फर्स्ट रजिस्टर के अंदर नाम नहीं है, तो उसमें 500 रुपीज ऐसे उसका फाइन लगता है और 6 मंथ की जेल वगैरह उसको हो सकती है। इम्पोर्टेंट नहीं है ऑफेंसेज और पेनल्टीज इसके। ये इतना ही था, इसमें फर्स्ट रजिस्टर पता होना चाहिए, सब्सिक्वेंट रजिस्टर पता होना चाहिए, और कौन बना रहा है आपका रजिस्टर, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर एंट्री के लिए, तो ये सब कुछ था इसके अंदर, ठीक है। तो एक स्टेट फार्मेसी जो काउंसिल है उसके अंदर क्या क्या, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के हमने फंक्शंस देखी है, उसके अंदर क्या इंस्पेक्शन होती है, वो इंस्पेक्टर्स रखती है जो कि इंस्पेक्शन करती है क्या जहाँ पे प्रोडक्शन कंपनीज है, डिस्पेंसिंग है, ठीक है। दूसरा, कहाँ पे इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट करती है, वो फिर क्या करती है अप्रूवल करती है इंस्टीट्यूशन को, एंट्री करती है रजिस्टर के अंदर फार्मासिस्ट को, ठीक है, रिमूव करती है नेम को, एंट्री करती है, अप्रूवल करती है। ये सारे फंक्शंस है हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। होप्स आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम और वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।